तो साउथ की तरफ एक और जबरदस्त मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसके अंदर हमें बहुत ही ज्यादा एक्शन और ब्रूटल सीन दिखाए गए हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसका ट्रेलर का रिव्यू करेंगे कि मूवी क्या है और क्या इसकी स्टोरी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ प्रेस बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और मुझे मोटिवेशन मिलता रहा इस तरह की वीडियो बनाने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तमिल सुपरस्टार विशाल की अपकमिंग एक्शन थ्रिल रत्नम मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसके अंदर में विशाल बहुत ही ज्यादा मार काट करते हुए नजर आ रहे। इसके साथ में रत्नम मूवी के डायरेक्टर हरि होने वाले, जिन्होंने इससे पहले सूर्य के साथ सिंगम मूवी बनाई थी, तो फिल्म से उम्मीद की है कि विशाल ये फिल्म कमाल की होने वाली, जिसके अंदर में बेहतरीन एक्शन देखने को मिलेगा। पर एक्शन के साथ साथ में अगर स्टोरी भी कमाल की निकलती है तो फिल्म बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। पर अभी तक स्टोरी का पता नहीं है रत्नम मूवी की स्टोरी क्या होगी, क्योंकि एक्शन तो हमें हर फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है, पर जब एक्शन के साथ में स्टोरी मिलती है तो फिल्म ब्लॉकबस्टर की तैयारी भी हो चली है। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी की स्टोरी में। वैसे तो विशाल के रत्नम हिंदी के ट्रेलर में रिलीज नहीं हुई है, पर ये फिल्म केवल तमिल और तेलुगु भाषा के अंदर ही इसका ट्रेलर रिलीज हुई। अगर उसके बावजूद भी रत्नम मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म के अंदर कहानी विशाल और उसकी गर्लफ्रेंड की होने वाली है, जिनको बचाने के लिए वह इतना ज्यादा एक्शन कर रहे हैं कि मतलब उस लड़की के ऊपर कोई भी बहुत बड़ी आफत आने वाली हो या फिर वह कोई भी ऐसी राज जानती हो जिससे अगर उसने सभी को सामने बता दिया तो कुछ लोग बहुत ही ज्यादा नुकसान में आ सकते हैं, इसलिए कुछ लोग उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। पर उसके पीछे विशाल खड़ा हुआ है और वह उसे मारने नहीं दे रहा। अब वह राज क्या है और आखिर ये गुंडे उस लड़की को क्यों मारना चाहते हैं, ये हमें मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। वैसे ये मूवी एक लव स्टोरी मूवी होने वाली है, जिसमें हीरो अपनी गर्लफ्रेंड का रक्षा करता है और उसको हर एक मुसीबत से बचाता है। मेबी फिल्म के बैकग्राउंड में जो एक्ट्रेस होगी या जो उसकी हीरोइन होगी वह किसी विलेन बैकग्राउंड से कंपेयर करते हैं और उसका बदला लेने के लिए गुंडे उसके पीछे पड़े होते हैं। फैमिली जैसे हम साउथ की मूवी में ज्यादातर दिखाते हैं कि फैमिली ड्रामा मूवी बहुत ज्यादा बनाया जाता है, सेम कहानी इस तरह से हो सकती है, वो तो हमें फिल्म देख कर ही पता चलेगा। मूवी का ट्रेलर तो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। यहाँ एक्शन को बहुत ही अलग लेवल पर प्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब साउथ की ज्यादातर फिल्मों में ऐसा ही एक्शन होता है, पर जिस तरह से विशाल एक्शन कर रहे हैं ये मुझे काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। और अपना मूवी का ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि स्टोरी में भी दम है, क्योंकि सिंगम मूवी की स्टोरी कमाल की थी, जिसे पुलिस ऑफिसर को बहुत ही सही तरीके से प्रेजेंट किया था। अब देखने की बात होगी डायरेक्टर हरि विशाल के साथ कैसे फिल्म बनाकर रहते हैं। बाकी ट्रेलर लेवल पर तो रत्न मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बाकी ज्यादा टेक्निकल मामले की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि रत्न मूवी में ज्यादा टेक्निकल बात करने वाले है नहीं। और मूवी के अंदर डीएसपी म्यूजिक देने वाले, मतलब कि देवीश्री प्रसाद रत्न मूवी के अंदर म्यूजिक देने वाले, और उनका म्यूजिक कमाल का है। इसी के साथ में रत्न मूवी के डायरेक्टर हरिलाल तो है ही, और रत्न मूवी के अंदर में विशाल के अलावा फीमेल रोल में प्रिया बाबनी शंकर देखने को मिलने वाली है, और मूवी को रिलीज डेट का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। फिल्म थिएटर के अंदर में कब देखने को मिलेगी, तो मूवी की रिलीज 26 अप्रैल की रखी गई, यानी इसी महीने के अंदर हमें यह मूवी थिएटर के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब कुछ दिनों के इंतजार के बाद मूवी का ट्रेलर हमें आ चुका है, अब इसकी मूवी हमें देखने को मिलने वाली है। अब देखने की बात होगी मूवी क्या प्रेजेंट करती है और मूवी की क्या स्टोरी होती है, क्योंकि एक्शन के अकॉर्डिंग स्टोरी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि बिना वजह के मार रहे हो, पेट हो जा रहे, इस बात पर गुस्सा कर रहे हो, ऐसे मूवी ज्यादातर मास फिल्मों को बोला जाता है। अगर ये मास मूवी निकल के आते ज्यादातर साउथ की मूवी जो ऐसी होती है, तो मूवी मेरे ख्याल से इतना एवरेज कमाई कर पाएगी। और मूवी के साथ अगर स्टोरी अच्छा हो गया तो मूवी अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है बॉक्स ऑफिस पर, और अच्छा कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर रहा तो इसका हिंदी ट्रेलर या हिंदी मूवी भी रिलीज किया जाएगा और उसके हिंदी में डब किया जाएगा। बाकी तो इस मूवी के अंदर कुछ खास बात करने को है नहीं, क्योंकि टेक्निकल के मामले में ज्यादातर कुछ है नहीं, इसमें कोई ज्यादातर भी एफएक्स और कुछ ऐसे यूज किया, यानी कि मूवी का बजट बहुत ही कम लेवल पर बनाया गया है। बाकी अब जैसे आपको मूवी आपने नहीं देखा तो एक बार ट्रेलर जाकर देखिए, बेसिक लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी, पर ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट में जरूर बताएं।